ये मेरे हॉस्टल का बाहर का व्यू है। तो ये हमारा बेड है और पूरा वुडन है भाई, काफ़ी शानदार है। और यहाँ से व्यू है वो कुछ इस प्रकार का। तो अगर आप पोखरा आ रहे हो तो आपको ये चीपेस्ट होटल, मतलब मिड रेंज के अंदर मुझे ये सबसे अच्छा लगा भाई। इंडिया में मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। सो अभी बारिश की वजह से सारे कपड़े देखो वन बाय वन सूख रहे हैं। और यहाँ पर दोनों बेड पे, मतलब चारों बेड पे मैं ही हूँ, तो सब पे कब्जा मैंने ही कर रखा है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक। तो अभी बाहर का मौसम ऐसा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और हमारे फ्रेंड इज़राइल से, नेपाल से। एंड यू, वेयर आर यू फ्रॉम? स्पेन। वाव, नाइस। और हम इंडियन, बारिश हो रही है तो कहीं नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ऐसा एक व्लॉग बनाया जाए जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो आज हम पोखरा के कुछ हॉस्टल जाने वाले हैं। तो जिस हॉस्टल में अभी मैं रुका हुआ हूँ उसका रूम कुछ ऐसा है। और यहाँ पर पिछले दो दिनों से मैं इधर ही रुका हुआ था, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना हॉस्टल चेंज करूँ। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं लेक साइड पर कोई हॉस्टल ढूँढूँगा और वहीं पर हम अगले दो दिन रुकेंगे। तो फिलहाल यहाँ से मैं चेकआउट करता हूँ और इस हॉस्टल की जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ उतनी मैं दूंगा। तो यहाँ के रूम्स वगैरह, जो बेड वगैरह है वो कुछ इस प्रकार है। और इसका जो चार्जेस है वन बेड का वो 350 रुपये। और इसके अलावा एक रूम और है साइड में जिसमें 8 बेड है, मतलब 2 रूम है और 4-4 वाला सिस्टम ही है लेकिन अटैच है एक साथ। तो चलो पहले मैं आप लोगों को ये रूम तो दिखा ही चुका हूँ, अब बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। तो ये है मेरे हॉस्टल के बाहर का कुछ व्यू ऐसा। नमस्ते भैया, कैसे हो? तो ये हमारे इस हॉस्टल के ऑनर है। तो भैया बताइए हमारे व्यूवर्स को अपने हॉस्टल के बारे में। हाँ, मेरा एक हॉस्टल है, छोटा सा। छोटा सा और बहुत प्यारा सा। सब लोग को वेलकम है, घर के तरह है, होमली फ्रेंडली। हाँ, और यहाँ का खाना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हो ना, वहाँ से कई गुना अच्छा आपको यहाँ इनके हॉस्टल का मिलेगा क्योंकि घर का खाना है तो वो काफ़ी अच्छा है। तो भैया चार्ज कितना करते हो? चार्ज मेरे 300 से लेके 350 से लेके डॉर्मेट्री और प्राइवेट रूम 1200 तक का है अभी। 1200 रुपये, मतलब मिनिमम 300 से लेके 1000। और आपका कॉन्टेक्ट नंबर ये जो सामने लिखा हुआ वही है? वो भी है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है, इंटरनेट पे मिलेगा ये है। तो ये देखिए हॉस्टल का नाम पोखरा यूथ हॉस्टल और नारायण भैया का नंबर ऊपर दिया हुआ है जो आप मे भी इसमें देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो थैंक यू भैया, हमारी जर्नी यहीं तक। इसके बाद मैं नेक्स्ट हॉस्टल में जा रहा हूँ लेक साइड के लिए। तो मैंने सोचा कि 2 दिन आपके पास रुका हूँ, अब 2 दिन अगले है ना वो लेक साइड पे जाऊँ। सही है, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो कहीं घूम तो सकते नहीं, हॉस्टल ही घूम लेते हैं। फिलहाल हम अपना खाना खा रहे हैं और ये मिलिए अनमोल से जिसने क्वेश्चन के इतने भंडार डाल रखे हैं, हमारी दीदी भी परेशान है इससे। तो हमारा खाना आ चुका है। भैया कैसा खाना? बढ़िया है, सिंपल है, सादा है, कोई दस्तार का खाना है। आप यूट्यूबर है? मेरे को पता नहीं था कि ये एक यूट्यूबर है। सो यहाँ से खाना वाना खाकर चेकआउट करके अब मैं निकल रहा हूँ। ओके, बाय बाय अनमोल, फिर कभी देखेंगे। जरूर, बाय। ओके, बाय बाय दीदी, इंडिया में मिलते हैं। सो यहाँ हॉस्टल लाइफ में एक तो मस्त चीज़ है कि यहाँ पर आपकी जो बॉन्डिंग है ना बहुत से लोगों के साथ होती है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर रहा। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच में मैं निकल रहा हूँ अपने दूसरे हॉस्टल के लिए। और जो दूसरा हॉस्टल जो होने वाला है वो लेक साइड का मैं देखूँगा और ट्राई यही है कि हमें सस्ते से सस्ता मिले और वहाँ हम रुकें। तो यहाँ पर ये देखिए, हेयर कट 350, शेविंग 250 रुपये। जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की ओर और मैं यहाँ पर एक बारबर की शॉप पे रुका और मैंने सोचा कि थोड़ी दाढ़ी कटवा लेता हूँ, लेकिन भाई ने कहा 350 रुपये। मैंने कहा हद है भाई, तो उन्होंने कहा लास्ट आपको 250 लगेगा, मतलब जो कि नेपालियों के लिए है वही सेम प्राइस, बट ये बार्गेनिंग बहुत करते हैं।
सो मेरे हॉस्टल से जिस दूसरे हॉस्टल में जा रहा हूँ उसकी कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कुछ 900 मीटर, और ये दोनों के दोनों लेक के पास बहुत नज़दीक है, बट एक से लेक का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ। सो फिलहाल मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया हूँ, होटल फॉरेस्ट लेक। यहाँ पर होटल रूम भी है और हॉस्टल रूम भी। हम हमारे होटल में पहुँच गए। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम संतोष। संतोष भाई आप हॉस्टल का एक बेड का कितना चार्ज कर रहे हो? हमारे पास है 500 वाले रूम, 550 वाली और 600 वाली। 500, 600, इनमें हाँ ये वाला क्या है? सिक्स बेड वाला है 550। ओके। और ये वाला, ये मेटल बेड वाला, ये 500। और ये लेक व्यू वाला, ये इसमें बालकनी भी है, ये 600 रुपये। और इसका प्राइस कम ज़्यादा होता है? हाँ मतलब यूजुअली वो रूम का प्राइस तो सेम ही रहता है ना। ओके। पर फिर भी कम ज़्यादा तो होगा ही। हाँ कभी कभी वो मतलब लॉन्ग स्टे कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा डिस्काउंट कर। भैया ने हमें प्यार और सम्मान के साथ 500 में किया, अब इतना प्यार बहुत है हमारे लिए। थैंक यू भाई, संतोष भाई। नो प्रॉब्लम। सो रूम हमने बुक करवा लिया, मतलब अपना बेड। भाई बेड दिखाओगे? हाँ मैं बेड दिखाऊंगा। ओके थैंक यू। तो रूम हमें लेक व्यू मिला, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, थर्ड फ्लोर जाना है। जुकाम लगी पड़ी यार, बोला ही नहीं जा रहा। सो काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हम हमारे रूम में पहुंच गए, और वाह काफ़ी शानदार है। नीचे वाले में कोई नहीं ना? हाँ ये ले सकते। ओके थैंक यू। तो ये हमारा बेड है और पूरा वुडन है भाई, काफ़ी शानदार है। और यहाँ से व्यू है वो कुछ इस प्रकार का, बढ़िया। थैंक यू भैया। संतोष भाई धन्यवाद। तो फिलहाल मैं जिस डॉर्म में आया ना, मतलब जिस हॉस्टल में आया, वहाँ हमें एक भैया मिले हैं, इंडिया से है भाई भी, और भाई के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई। जिस रूम में पहले रुका हुआ था 4% बेड था और अकेला था, पर भाई मिले, साथ मिला भाई। नाम बताइए अपना। गोविंद राज। गोविंद राज। तो गोविंद भाई के साथ अगले कुछ दिन हम बिताएंगे, और मे भी अगर हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई तो हम ये पूरा नेपाल ट्रिप साथ में करेंगे। क्यों भाई? सच में ऑफ कोर्स। ये मेरे हॉस्टल का बाहर का व्यू है, यहाँ पर आप बैठकर बुक्स पढ़ सकते हैं, अपना व्लॉग एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको जो चिल करने आए हैं, पार्टी वार्टी करने आए हैं, तो वो लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं। बट मेन यहाँ का व्यू है जो कि बहुत प्यारा है। यहाँ पर जो बेड का 1% है वो 500 रुपये मुझे लगा है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, वैसे 600 रुपये मांगते हैं, बट फिलहाल के लिए हमें मिला है 500 में। और अब कहाँ जाएंगे ये तो आपको अगले वीडियो ब्लॉग में पता लगेगा। और आई होप सो आप लोगों को हेल्प हो, अगर आप पोखरा आ रहे हो तो आपको ये चीपेस्ट होटल, मतलब मिड रेंज के अंदर मुझे ये सबसे अच्छा लगा। मोस्टली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्पेस है अगर आप चिल करने आए हो तो, और लेट बाथरूम बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो मेन है यहाँ का व्यू, तो आपको व्यू बहुत प्यारा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आप रूम लीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लेक साइड व्यू पर ना आपको 1500-1000 के बीच में रूम मिल जाता है इजीली, अगर आप ट्राई करोगे तो। अदरवाइज मांगने वाले तो सबको पता है कि बहुत मांगते हैं, और इतना मांगते हैं कि पूछो मत। तो अभी के लिए ये वाला वीडियो व्लॉग हम यही कंप्लीट करते हैं। बारिश हो रही थी पूरे टाइम से, तो कुछ भी जगह आवाज कहीं भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन अभी बारिश रुकी है तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं निकलें, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अब जाते हैं किसी नई जगह के लिए, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।